नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मुद्रा एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट चलेगा, जो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। कल इसकी पीडीएफ मैंने आपको उपलब्ध करवाई थी। पहले विद्यार्थियों, कंप्लीट यूनिट की पीडीएफ है, तो जैसे जैसे हम क्लास लेते हैं वैसे वैसे आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, लिखना है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। पहले भी आपने ये पढ़ा है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है, किस रूप में इसमें काम करता है। इसमें सबसे पहले कि ये सिद्धांत किसने दिया, हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने दिया। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने सन 1927 ईस्वी में दिया। इसके अनुसार या इसके द्वारा किसी भी एक समय में एक ही दिशा में कण की स्थिति और समय का मान एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि एक ही समय में एक ही दिशा में स्थिति और समय का किसका पोजिशन एंड मोमेंटम की वैल्यू स्थिति एवं समय की दोनों की वैल्यू का यथार्थ मापन संभव नहीं है। पूर्णतः यथार्थ मापन यानी कि एक साथ इन दोनों की वैल्यू याद नहीं की जा सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यह सिद्धांत हाइजेन ने सन 1927 ईस्वी में दिया। यह सिद्धांत हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने सन 1927 ईस्वी में दिया। उसके बाद इसके अनुसार नीचे वाली लाइन से लिखना है, इसके अनुसार किसी भी समय एक ही दिशा में कण की स्थिति और संवेग का पूर्णतः यथार्थ मापन संभव नहीं है। यानी कि स्थिति और संवेग का पूर्णतः यथार्थ मापन संभव नहीं है। उसके बाद में कहा है कि यदि x दिशा में किसमें x डायरेक्शन में किसी कण की न्यूनतम अनिश्चितता किसी भी कण की न्यूनतम अनिश्चितता डेल एक्स क्या है, डेल एक्स न्यूनतम अनिश्चितता डेल एक्स है, तो उसी एक्स डायरेक्शन में तो उसी एक्स दिशा में किसका कण की स्थिति हो गई। अब क्या बच गया, संवेग। तो उसी दिशा में संवेग के घटक के मापन में न्यूनतम अनिश्चितता घटक के मापन में न्यूनतम अनिश्चितता क्या होगी, अनिश्चितता डेल पी एक्स क्या डेल पी एक्स इस प्रकार होगी कि किस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी कि इस प्रकार होगी कि जो इन दोनों का गुणनफल होगा वो कभी भी होगी कि इन दोनों का गुणनफल कभी भी h cut by 2 से कम नहीं हो सकता
नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? बल्कि इससे अधिक हो सकता है, बल्कि इससे अधिक हो सकता है, बल्कि इससे अधिक हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? दोनों का गुणनफल बताया है डेल एक्स, एक तो क्या है डेल एक्स है, दूसरा क्या है डेल ई एक्स है। क्या नहीं हो सकता? काम नहीं हो सकता, क्या तो अधिक होगा क्या इसके बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं? डेल एक्स गुणनफल में डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई टू, ठीक है, जहां एच कट की वैल्यू क्या होती है, एच कट की वैल्यू क्या होती है, खूब पढ़ा होगा, एच अपॉन टू पाई, एच अपॉन टू पाई वैल्यू निकालेंगे तो, वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 1.0 54 टेन की पावर, कितनी आएगी 10^-34 जूल सेकेंड। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, क्या लिख सकते हैं, क्या बताया है, इसके अनुसार किसी भी समय में एक कण की जो दिशा होगी एक ही दिशा में उसकी स्थिति और समय का मापन एक साथ नहीं किया जा सकता, यानी कि हम कह सकते हैं कि यथार्थ मापन उसका संभव नहीं है। अब हम ले कि कोई भी माना दिशा एक्स है, उसमें किसी भी कण की न्यूनतम अनिश्चितता तो डेल एक्स है, और उसी दिशा में यानी कि एक्स दिशा में उस कण के समय का जो घटक होगा डेल पी एक्स। इस प्रकार होगा कि उन दोनों का जो गुणनफल, यानी कि हम कह सकते हैं दोनों का गुणनफल मींस डेल एक्स डेल पी एक्स क्या नहीं होगा, एच कट बाई टू से कम नहीं होगा, यानी कि हम कह सकते हैं इससे ज्यादा होगा, इसके बराबर होगा। तो ये जो है ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता को सिद्धांत को व्यक्त करता है, जहां जहां एच कट इक्वल टू हम लिख सकते हैं एच अपॉन टू पाई, ठीक है, एच की वैल्यू हम जानते हैं प्लांक कांस्टेंट होता है 6.62 × 10^-, जितनी भी है, उसके बाद टू और पाई दोनों की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.054 × 10^-34 जूल सेकेंड। यहां अपने को ये एच की वैल्यू प्राप्त होती है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थी हम